चटनियाँ डाल देते हैं और इसमें पे चावल रख देते हैं, दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं ना। और इसके साथ मैं इसी बात चावल बनाने वाली हूँ कर लेते हैं, और चावल भी मैं भिगा देती हूँ कि मैं चावल कौन सा यूज करती हूँ। मैं पर्सनली इस घर की खाना बनाने के बाद यहाँ पे ये मौसमी जो मैंने बस बैक टू माई चैनल। और आज मैं बना रही हूँ चने की दाल, जो सब्जी का भी काम करेगा और दाल का भी काम करेगा। तो चलिए उसके लिए मैं पहले प्याज वगैरह चॉप कर लेती हूँ और मसाले आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से मसाले यूज करने वाली हूँ। मैं पाउडर मसाले यूज नहीं करती और मेरे चेहरे पे मत जाना, मैं जस्ट अभी स्नान करके आई हूँ और अभी चेहरे के डेंटिंग पेंटिंग मैंने की नहीं है, ठीक है। तो मैं फटाफट सारी तैयारी करके फिर आपको दिखाती हूँ, मसाला पीसने का क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको दो मिनट बाद। तो यहाँ पे देखिए मसाले में मैं गीला नारियल ले रही हूँ, आप सूखा नारियल ले लेना, मेरे पास जो अवेलेबल था वही दिखा रही हूँ। यहाँ पे जीरा डालेंगे थोड़ा सा और बहुत कम मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालना है। और यहाँ पे सरसों डाल रही हूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और दो इलायची छोटी वाली, और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे और लौंग डालेंगे दो तीन डालेंगे, खसखस। और सारे मसाले देखिए मैं कितना कितना डाल रही हूँ, एक बड़ी इलायची डालेंगे। इसमें मैं अदरक लहसुन नहीं डाल रही क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये मसाले को थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं मसाले पीस लेती हूँ, तो इसमें मैं भी थोड़ा सा पानी डाल के पीस लूंगी, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है और इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे मसाले पीस गए, आप देख सकते हैं, अब इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कुकर में तेल डाल देंगे, तो यहाँ पे तेज पत्ता और कड़ी पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी तड़के में, थोड़ा सा जीरा डालेंगे अभी तेल। तो यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्ची और टमाटर वगैरह मैं काट लेती हूँ सब्जी में डालने के लिए, सब्जी नहीं दाल में डालने के लिए। ये एक्चुअली देखा जाए तो दाल और सब्जी दोनों मिक्स ही है, अगर आपको बहुत ज्यादा कंटाला आता है कोई चीज बनाने के लिए तो आप ये चने की दाल और जो मसाला मैंने बताया उससे आप मसूर की दाल भी बना सकते हैं, जो अक्खी मसूर होती है ना वो। तो यहाँ पे मैं एक टमाटर ले लेती हूँ जब तक तेल गर्म हो रहा है, तब तक दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं ना। और इसके साथ मैं इसी बात चावल बनाने वाली हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये गरम हो गया हींग, तो थोड़ा सा हींग डालेंगे, ये प्याज डाल देंगे और साथ में ये हरी मिर्ची भी मैं डाल दूंगी इसके साथ। आप कितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप बनाइए, मेरे बच्चे थोड़ा तीखा खाते इसलिए मैं बना रही हूँ। और इसको अभी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जब तक हो रहा है तब तक थोड़ी थोड़ी साफ सफाई भी कर लेते हैं और चावल भी मैं भिगा देती हूँ। तो आज मैं भिगाने वाली हूँ बासमती टुकड़ा, आज किचन बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि अभी तक साफ सफाई हुई नहीं है। तो यहाँ पे मैं बासमती टुकड़ा ले रही हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं चावल कौन सा यूज़ करती हूँ, मैं पर्सनली इस घर में और वहाँ पे भी मैं वाड़ा कोलम यूज़ करती हूँ, सूरती कोलम भी आता है। तो ये दो ढाई बाटी में भिगाऊंगी इसको, और मैं जब भी चावल बनाती हूँ ना तो पानी निकल के बनाती हूँ, मैं पानी उसमें छोड़ नहीं देती, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा चावल आप ज़्यादा खा सकते हो। तो यहाँ वॉश कर लेंगे, अभी हमारी मेड आई नहीं है, आएंगी तब धोएंगे। और ये सारा बर्तन अभी का है, रात का कोई बर्तन नहीं था, रात को वॉश कर लिया था। तो मैंने चावल धो लिया है, तो मैं ना जब भी वो नल से धोती हूँ तो मैं आरओ के पानी से भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पे धो लिया, इसको ढक लेते हैं, तब तक अपनी सब्जी देख लेते हैं, मेरे घड़ी घड़ी मुँह में सब्जी आ रहा है। तो ये प्याज भून गया अच्छे से, अब ये जो भिगाया हुआ चना दाल है ये डाल देंगे। वैसे ये आरओ का ही पानी है लेकिन अभी मुझे पानी डालना नहीं है क्योंकि मुझे इसके साथ मसाले भिगोने हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ साथ हल्दी नमक डाल देंगे। तो अब इसमें हल्दी नमक डाल देंगे, और हल्दी डालेंगे और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। मैंने तभी क्यों नहीं डाला क्योंकि वो चिपक जाता है ना पेस्ट, इसके लिए। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसको ना अभी थोड़ा सा भून जाएगा फिर हम मसाले डालेंगे। अभी फटाफट थोड़ा सा किचन विचन क्लीन कर लेते हैं, वैसे तो आके क्लीन करेगी लेकिन अपने आँख में देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए बॉटल भी भरना है लेकिन वो मैं बाद में भरूंगी खाना बनाने के बाद। यहाँ पे ये मौसमी जो मैंने आपको दिखाया था उसका जूस बना के हमने पी लिया है, तो अब ये कचरा इतना निकला है अब इसको फेंकेंगे बाहर। अनुष मेरे थोड़ा दूर से निकालो, मेरे को भी ले। तो ये यहाँ पे भून गया है और अब ना मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले हैं, इसको डाल देते हैं और
रेड चिली पाउडर के। और ये देखिए इसको अच्छे से ये करेंगे, मिक्स करेंगे। और मैंने मिर्ची पाउडर नहीं डाला है, मिर्ची पीसा नहीं था क्योंकि मेरे को चिली पाउडर यूज़ करना था बस। और साथ में टमाटर डाल के भून लेंगे। तो अभी इस मसाले को ना अच्छे से भूनना है तेल छूटने तक। और हमारी सूटी ना छोटी पड़ जा रही है कुकर के आगे, इसीलिए उठ उठ के दिखा रही है। तो अभी इसको ना, ये जो मसाले हैं इसको स्लो गैस पे भूनना है तेल छूटने तक, क्योंकि हमने कच्चे मसाले पीसे हैं। अगर उसको अच्छे से नहीं भूनेंगे ना तो वो रॉ स्मेल आएगा, जो राई डाला है हमने, धनिया डाला है उसका, इसलिए। तो इसको अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद पानी वानी डाल के कुकर में ये लगाएंगे। धनिया लास्ट में डालेंगे जब कुकर हम खोलेंगे तब। तो फिलहाल इसको भूनने देते थोड़ा सा, फिर। तो यहाँ पे मैं नाशपाती कट करने जा रही हूँ। इसको नाशपाती बोलते हैं, खरबूजा बोलते, क्या बोलते हो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर ये ख़राब हो गया ना तो हमको घर में गाली पड़ेगी, तो इसीलिए मैं इसको भी काट के खाने वाली हूँ जब तक अपनी सब्जी भून रही है, दाल जो भून रहा है। तो चलिए इसको कट करते, देखिए मेरा काटने का स्टाइल थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे चना दाल भून गया है तो मैं पानी डालूंगी। और चने दाल में ना थोड़ा सा ज्यादा पानी डालना होता है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। तो अभी इसको मिक्स कर लेंगे और इसको सीटी लगा देंगे। तो अभी मैं इसमें कुकर की प्रेशर लगा देती हूँ, कुकर का प्रेशर लगा देती हूँ और इसका मीडियम गैस कर देती हूँ। और 6 से 7 सीटी हम लोग लेंगे, उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। वहाँ पे मैंने फ्रूट कट कर दिया है और इसको मैं खा लेती हूँ, मिलती बाद में। तो फिलहाल अभी हम लोग दोनों इधर लेटे हैं, अभी इसको नहाना है, लेकिन तो भी अभी नहा नहीं रही, गेम खेल रही है विंडो पे गेम खेल रही है। और दाल हो रही है, राइस मैं बाद में बिठाऊंगी जब खाना रहेगा बच्चों को, तो 10 मिनट पहले बिठा दूंगी तो गरम गरम खा लेंगे। और अभी इंतज़ार हो रहा है मेड का, ये बहुत बड़ा मुझे लोचा लगता है मेड का इंतज़ार करो, लेकिन क्या करें, बिना मेड का घर का काम भी नहीं होगा, दिन भर फिर उसी में बिजी रहेंगे, लेकिन क्या कर सकते, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अभी मुझे क्रीम वगैरह लगाना है, मैंने कुछ भी लगाया नहीं है, लेकिन तो भी ट्रेटिनॉल से स्किन थोड़ी सी क्लीन हो रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गई है। ट्रेटिनॉल को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना। अगर आपको भी मेरे जैसा स्किन का प्रॉब्लम होता है हमेशा, तो मेरा बचपन से स्किन का प्रॉब्लम है, मतलब मुझे कोई भी प्रोडक्ट जल्दी सूट नहीं होता है या फिर कोई भी चीज़ें मैं जल्दी यूज़ नहीं कर पाती हूँ कोई भी। और जितनी सस्ती चीज़ें रहेंगी ना, जैसे बोरोलिन वगैरह सूट हो जाता है, लेकिन उसी की जगह पे मैं कोई महंगा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी ना तो बिल्कुल भी सूट नहीं होता। भगवान भी बोलते हैं, जान दे तेरी कंडीशन वैसे भी अच्छी नहीं है, तू मैं सस्ता ही लगा ले। तो इसके लिए तो चलिए अभी फटाफट दाल हो जाती है तो फिर आपको दिखाती हूँ, मैंने सोचा थोड़ा आप लोग से बात कर लूँ, तो इसलिए चलिए जब हो जाएगा फिर आपसे मिलती हूँ। तो दाल हो चुकी है तो अभी इसमें हरा धनिया डाल देंगे, मैं आपको दाल खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अपनी दाल रेडी है और हरा धनिया डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने उतना पानी डाला था और कितना थिक हो गया है दाल, देख सकते हो, और अच्छे से दाल गल गया है और चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चावल बना लेती हूँ, पहले मैं चावल रख देती हूँ आपके सामने ही। तो यहाँ पे चावल रख देते हैं और चावल होने के बाद आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग करके, ठीक है, मिलते हैं बाद में। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी राइस पड़ी थी, अभी जो फ्रेश राइस है वो तो हो ही रहा है, तो मैं ना सोची थोड़ा सा आपको खा के बता दूँ। इसमें थोड़ा सा दाल डालते हैं और इसको खाते हैं। मुझे ना ठंडी राइस बहुत पसंद है, उसके साथ गरम गरम दाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें नींबू और ऑनियन के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। मस्त टेस्ट है, एक बार बनाओ और मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए मैं इसे खा लेती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में।